नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को अपने 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका गए थे। अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वहीं आज पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भविष्य का शिखर सम्मेलन पर संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि सीएम योगी दोपहर 1 बजे तक वहां आयोजित रोजगार मेला, ऋण वितरण, टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में लोजपा ने झारखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान झारखंड दौरे पर रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा खूंटी पहुंचेगी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और खूंटी के कचहरी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद कड़िया मुंडा समेत कई प्रदेश स्तरीय नेता और स्थानीय विधायक मौजूद रहेंगे। इटावा मंडी में आज किसान महासंघ के आह्वान में नीलामी कार्य बंद रहेगा। बता दें आज कृषि मंडी में किसी प्रकार का नीलामी कार्य नहीं होगा। वहीं कल यानी मंगलवार से मंडी सुचारू रूप से चालू होगी। देशभर में राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार योजना को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। बैठक में लगभग सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी बैठक में शामिल होकर प्रदेश से जुड़े एनसीसी से संबंधित तमाम मामलों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी रखेंगे। सैमसंग गैलेक्सी M55S भारत में आज लॉन्च होने वाला है। सैमसंग ने अपने इस तगड़े फीचर वाले फोन को अपने ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ ई कॉमर्स वेबसाइट दोनों पर लिस्ट किया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी के इस स्मार्टफोन के कई फीचर्स कंफर्म कर दिए हैं। इस फोन का सपोर्ट पेज भी लाइव हो गया है, जहां फोन के फीचर्स का पता लगा है। बनारस स्टेशन से आगरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल जारी हो गया है। ये मिनी हाई स्पीड ट्रेन आज से नियमित संचालित होगी। गत 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया था। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में भारतीय किसान यूनियन आज विशाल ट्रैक्टर यात्रा निकालेगा। तमाम मांगों को लेकर किसान इसराइली को निकालकर विरोध जताएंगे, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जाकर किसानों से चर्चा कर उन्हें ट्रैक्टर यात्रा में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून का अंतिम सप्ताह में भी अच्छी वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1929 में आज के दिन बाल विवाह निरोधक विधेयक कानून पारित हुआ था। साल 1935 में आज के दिन हिंदी और पंजाबी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्म हुआ था। साल 1955 में आज के दिन पाकिस्तान ने बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1965 में आज के दिन भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का आदेश हुआ था। साल 2020 में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ सुरेश अंगदी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।